गुड़सराय में संदिग्ध अवस्था में मिला लड़की का शव। मामला थाना गुड़सराय अंतर्गत आने वाले कस्बा गुड़सराय के पंजाब नेशनल बैंक के पास का है, जहां पर अमित शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला हाल निवासी गुड़सराय मूल निवासी अलियाई मोहल्ला मऊ रानीपुर का निवासी है, जो विगत करीब 10 वर्षों से गुड़सराय में रहता था। पुत्री के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह दिनांक 25 अगस्त 2021 को सुबह 6:30 बजे अपने घर गुड़सराय से मऊ रानीपुर के लिए गया था। तभी भाई अपनी 12 वर्षीय लड़की खुशी शुक्ला को घर पर छोड़कर गया था। जब लड़की का पिता अमित शुक्ला शाम को जब अपने घर आया तो उसने बच्ची को आवाज़ लगाई, बच्ची का कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो उसकी पुत्री अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे पड़ी मिली। इसकी सूचना उसने अपने मकान मालिक को दी एवं डायल 112 पर कॉल किया और सुबह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिव हरि मीणा एवं SP ग्रामीण नेपाल सिंह थाना अध्यक्ष गुड़सराय द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई। उसके बाद शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सारी बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, इसमें आप क्या कहेंगे? थाना गुड़सराय क्षेत्र में एक बच्ची अपने घर पर मृत अवस्था में पाई गई है। परिवारजनों ने बताया है कि वो घर से बाहर थे, उस दौरान बच्ची की डेथ हुई। डॉक्टरों के अनुसार उसके शरीर पर किस तरह कोई चोट का निशान नहीं है। शेष जो प्रक्रिया है उसको पुलिस पूरा कर रही है। घर वालों से पूछताछ में उन्होंने बताया कि किसी तरह का कोई भी तथ्य अभी घर वालों के द्वारा नहीं बताया गया, किसी के ऊपर शक भी जाहिर नहीं किया गया है। PM के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, शेष जो विदित होती है उसको पुलिस। आपकी बच्ची थी जी, क्या घटना होगी इसमें आपका किसी के ऊपर शक है क्या? हम सुबह 6:30 बजे मऊ रानीपुर के लिए निकले थे और शाम को 6 बजे लौटे, तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी, तब हमने लोगों को मकान वाले को सब लोगों को खबर की, सब लोगों को बताया। उसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें भाई शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। कैनन न्यूज़ के लिए झांसी से विपिन सिंह के साथ मनीष साहू की रिपोर्ट।